और वाकई देश को बनाने के लिए, भारत को बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए जी वर्मा सर सर ये उत्साही फिजिक्स टीचर्स का कार्य बहुत समय से करते आ रहे हैं। जी तो सर उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने जब ये शुरुआत की, तो हम सीधे चलते हैं सर से बात करते हैं कि कैसे देश बनाने का, कैसे इसको समृद्ध बनाने का, हम लोगों के अंदर ताकत लाने का इन्होंने जो काम किया है वो कैसे शुरू किया, क्या उसके पीछे उद्देश्य था। तो हम सीधे चलते हैं सर के पास और मिलते हैं वर्मा सर से। वर्मा सर ओके, सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद विक्रम जी, धन्यवाद प्रज्ञा जी, धन्यवाद अमित जी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और कुछ करने की बहुत हैसियत भी नहीं है। जो पढ़ा आवाज कम आ रही है सर, आपकी आवाज थोड़ी पास नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही है। हमारी है, अब कुछ ठीक हुई, बेहतर हुई क्या? जी हाँ जी सर, बेहतर हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो कुछ खास किया नहीं है और ये सारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण से हो रहा है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस मुहिम से जुड़े हैं वो अगर मैं ना होता तो भी वो जुड़े ही होते, क्योंकि मन के अंदर जो तरंगे हैं वो जब रेजोनेट करेंगी तो अपना असर दिखाएंगी दिखाएंगी। मैं इन विषयों से थोड़ा सा अलग हटकर इंटरव्यू पे सीधे सीधे आता हूँ। ये जो हमारा नेशनल वर्कशॉप ऑफ उत्साही फिजिक्स टीचर्स है, ये किसी न किसी रूप में 2003 से चला आ रहा है और इसमें हम लोग सामान्यतः गर्मियों के समय में कुछ एक कैंप करते थे अपने IIT कानपुर में और 6 दिनों का कैंप हमने बाद में किया था, शुरू में हम 3 दिन का या 5 दिन का भी करते थे। तो सबसे जो प्रमुख बात थी इस NWUPT की वो ये थी कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते थे वो बहुत सेलेक्ट करके आते थे। जिन पार्टिसिपेंट्स के अंदर में बहुत मन के अंदर में तड़प होती थी एजुकेशन को लेकर, साइंस एजुकेशन को लेकर, फिजिक्स एजुकेशन को लेकर, और जितनी तड़प होती थी उतना ही उत्साह भी होता था और वो कुछ ना कुछ करते हुए और चीज़ों को सुधारने के पीछे लगे होते थे। ऐसे ढूंढ ढूंढ करके और खोज खोज करके देशभर से और कुछ 30-35-40 लोगों को लेकर के साल भर हम लोग उसकी खोज पर रहा करते थे और साल भर की खोज के बाद कुछ 30-35 लोगों को लेकर के हम लोग ये नेशनल वर्कशॉप उत्साही फिजिक्स टीचर्स ये किया करते थे। और जो उसके अंदर में लोग होते थे वो उनमें से कुछ, सभी तो नहीं लेकिन कुछ बहुत आगे तक गए इस मुहिम के अंदर। आज हमारे पास 26 अन्वेषिकाएं अगर देश भर में है, उन 26 में से शायद 24 या 25 अन्वेषिका के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इसी NWUPT के वर्कशॉप्स के माध्यम से निकल करके आए। 1 साल 2 साल 3 साल कई लोगों ने लगातार ये वर्कशॉप की और इतना उनके अंदर में इसके प्रति उत्साह आया कि उन्होंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या अपने घर में एक पूरी की पूरी लेबोरेटरी बना करके और उसके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंच करके, हजारों विद्यार्थियों तक पहुंच करके और शिक्षकों तक पहुंच करके और उनके अंदर में फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सीखा जाए और कैसे उसका आनंद लिया जाए, इसकी खुद तो लिया ही और बाकी सारे विद्यार्थियों को और दूसरे शिक्षकों को वो आनंद दिलाने के पीछे लगे हैं। इस तरीके के लोग इस वर्कशॉप से NWUPT में से निकल करके आए। ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, क्योंकि इसमें से हमें ये रिसोर्स पर्सन मिलते हैं। आज जिनके नाम आप देख रहे हैं, मुकुल राठी जी होंगे या अपने राजीव जी होंगे या प्रज्ञा जी हैं या बहुत सारे जो हमारे रिसोर्स पर्सन संतोष जी हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं इसी स्मिता जी हैं, इसी वर्कशॉप में से होकर के गुजरे हैं और उसी में से उनके हृदय के अंदर में उस प्रकार के तरंगे उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण से कि आज वो बहुत काम कर रहे हैं और केवल अपने क्षेत्र के अंदर में ही नहीं, अपने आसपास के अंदर में ही नहीं, दूर दूर तक काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में मणिपुर के अंदर में मुकुल राठी जी ने जाकर के और KS सिंह जी के साथ बहुत काम किया, पिछले साल पता है।
ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है इतना जो अपना स्कूल का काम करते हुए, अपने कॉलेज का काम करते हुए, अपने घर का काम करते हुए और उसके बाद समय निकालना, उसके बाद उसकी लगातार चिंता करना, लगातार उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए खपाना अपने को, ये सब चीजें इस वर्कशॉप में से निकल कर जाएंगे। तो ये जो वर्कशॉप है ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वर्ष का। और इस बार चूंकि परिस्थितियां अलग हैं, इस बार चूंकि हम जैसा किया करते थे 2003 से अभी तक, उसके अंदर में हमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी है और एक फिजिक्स के लोग होने के कारण से हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करना, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स में से उसके सॉल्यूशंस, उसके रास्ते ढूंढना, इसके अंदर में हम लोग भी पीछे नहीं है। और हमने ये इसका एक 2020 ईयर के अंदर में, 2020 फॉर्मेट के अंदर में, नए फॉर्मेट के अंदर में हम लोग ये एनडब्ल्यूपीटी कर रहे हैं। जब हम इस नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जूम पर आए हैं, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं था पहले इस प्रकार की मीटिंग्स का या इस प्रकार के कार्यक्रम का, इस प्रकार एड्रेस करने का। तो अभी ही इसी महीने में, कहीं एक महीने के अंदर में और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अभ्यास बना है, लेकिन हमारे कई सारे जो मित्र है उनका काफी अच्छा अभ्यास है। राजीव जी का विशेष करके राजीव त्यागी जी का बहुत ज्यादा अच्छा इसके अंदर में अभ्यास है, वही हम लोग को गाइड भी कर रहे हैं इस पूरे मीटिंग को कंडक्ट करने में। तो एक नए समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देना और वहां से कुछ और भी ज्यादा लेकर के आना, ये एक प्रक्रिया होती है और ये एक चीज होती है जो कि जो कर ले जाता है वो हर समय उसमें से आउटपुट निकालता है ऐसी भी परिस्थिति को, और बेहतर आउटपुट निकालता है। तो हम ये देख रहे थे अभी कि इस जूम के माध्यम से जो हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो इसके अंदर में विशेष क्या है जो कि हमें अपनी फेस टू फेस मीटिंग में नहीं था, उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो कई चीजें ध्यान में आ रही हैं और जैसे जैसे ये वर्कशॉप चलेगी वैसे वैसे ये ध्यान में आएगा। तो हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें से क्या है ऐसा जो कि इसमें से इतने अच्छे कार्यकर्ता निकल करके आए। हमारे पास जो NWPT से निकल करके और उत्साहित फिजिक्स टीचर्स आज हैं, उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर में हम लोगों ने 3 साल पहले एक 21 उनके जिले हैं, तो 21 कैंप्स हमने जिस समय आतंकवाद एकदम चरम पर था उस समय में हम लोगों ने वहां पर किए। और यही लोग, यही जो NWPT से प्रशिक्षित लोग थे, उन्हीं लोगों ने वो सब कुछ किया। तो आज इतना बड़ा वर्कफोर्स हमारा यहाँ से तैयार हुआ है, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में, इसमें होता क्या है ऐसा। तो अगर उसको हम थोड़ा रिकॉल करें तो हमारे पुराने लोग हैं वो चीज जानते ही हैं, लेकिन जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग एकेडमिक्स और एकेडमिक्स के अलावा बहुत कुछ इस वर्कशॉप में सीखते हैं। एकेडमिक्स में अगर हम चाहें तो हम फिजिक्स कि गहराइयों के अंदर घुस कर के बैठ करके और जो नीचे के हीरे मोती और जवाहरात हैं उनको हम ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं, यानी हम इतना आनंद उठाते हैं उसका जो कि सतह पर रह करके और कुछ उसका पता नहीं होता। हमारे क्लासरूम के अंदर में, हमारे सिलेबस के अंदर में, हमारे बोर्ड्स के अंदर में जो कुछ पढ़ाने के लिए हमें दिया जाता है, जो कुछ थ्योरीज के होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, समीकरण होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वर्णन होते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को भी कभी कभी हुआ करते हैं, तो उन सब से हम थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का एक बहुत हल्का सा धुंधला सा कुछ आभास अपने दिमाग में बिठा पाते हैं, लेकिन जो सचमुच में उसमें जो रत्न है वो रत्न कभी मिलते हैं जब हम उसकी गहराइयों के अंदर करते हैं। और NWPT में हम लोग ये काम हमेशा किया, कोई भी चीज लेकर के उसको जब हम बहुत उसकी डीप एनालिसिस करते हैं, उस डीप एनालिसिस के बाद हमें उसका आनंद पता चलता है, उसका मजा पता चलता है और उसके प्रति जो अपना प्रेम भाव है वो सुदृढ़ होता है। तो एक तो ये है कि जो हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स के इक्वेशंस हैं या थ्योरम्स हैं या जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, तो उनको हम लोग खूब अच्छी तरह से समझें, थ्रेडबेयर एनालिसिस उसकी हम कर पाएं, तो ये एक रहता है अपना आयाम रहता है NWPT का। और दूसरा आयाम होता है कि फिजिक्स को हम लोग जिंदगी के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते,
अगर जिंदगी के साथ नहीं जोड़ पाए फिर तो ये एक बुद्धि विलास का ही रूप हो गए कि हमने अपने कुछ इक्वेशंस फिट कर लिए और कुछ उनके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकाल लिए और हमने उनका कुछ चर्चाएं करी और कुछ प्रेडिक्शंस कर दिए कि ये पार्टिकल ऐसा जाएगा और उस पर ऐसा फोर्स लगेगा और उसमें ऐसा ये में बन जाएगा ऐसा वैसा। लेकिन अगर वो होता भी है या नहीं होता है इसको अगर हम अपने हाथों से कर सकते हैं तो फिर उसके साथ अपना इमोशनल अटैचमेंट बनता है, भावनात्मक संबंध बनते हैं उसके साथ। ये एक दूसरा आयाम होता है हमारे इंटरव्यू का। हर साल हम लोग कुछ 30-35-35 नए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार के ऊपर हम जो पढ़ते हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो जरूर होता है उसको हम लाइव देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के डेमोंस्ट्रेशंस, उनकी एनालिसिस और उनका अभ्यास, ये हम लोग का चलता है। तो इसके एस्पेक्ट हैं, एक तो कि हमें फिजिक्स का मजा आना चाहिए। हम क्या अपनी किताब पढ़ करके वो मजा ले पाते हैं? तो अक्सर हम नहीं ले पाते हैं। तो वो फिजिक्स का जो मजा है, जो आनंद है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका हम दर्शन कर सके, उसका हम अनुभव कर सके, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि फिर उसको हम लोग अपने क्लासरूम तक पहुंचा सकें, अपने मित्रों तक पहुंचा सकें, शिक्षक जो आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं उन तक पहुंचा सकें। जो मुझे मिला, जो रस मुझे मिला, वो औरों को भी मिले, जरूर मिले, उसके वो भी नहीं हकदार हैं जितने कि हम हैं। तो ये तो एक तो हो गया कि थ्योरी बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आनी चाहिए, उसकी हमें एनालिसिस करनी चाहिए। दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंट्स, कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, हाथों से काम करना चाहिए। जो भी हम थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, उनको वास्तव में उसके लिए डिजाइन करना कुछ और उसको बना करके देखना और उसमें से चीजें निकालना, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स डेवलप करना अपने आप के अंदर में। क्योंकि हम कोई भी चीज अपने से जब तैयार करते हैं तो बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर में उससे डेवलप होती है। एक्यूरेसी का मामला है, मेजरमेंट्स का मामला है। तो ऐसा हम लोग का, ये नहीं कि अपना जो सेट पैटर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि कहीं अम्बाला में या कहीं बनते हैं, रुकी में बनते हैं, वहाँ से हमने उसको लाया, उसका एक मैनुअल है, उसके अनुसार हमने टक 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 नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन काम किया और वहाँ से फिर हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। वैसे नहीं, वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हम लोग छोड़ देते हैं कि वो जो जिसको करना है करें, लेकिन हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, खुद असम्बल करेंगे और तब खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। NWPT का ये दूसरा आयाम था। और तीसरा आयाम, हमने तो अपने को एम्पावर कर लिया, हमने तो अपने फिजिक्स अच्छी कर ली, समझ भी लिया, एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसको कहीं और किसी और के दिमाग में उतारना और उसके दिल में उतारना, इसकी एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसकी भी हम लोग NWPT के अंदर में जाने अनजाने में उसका भी अभ्यास करते रहते हैं। उसके लिए कभी अलग से हमारा सेशन नहीं होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए कोई अलग से कभी हम लोगों ने सेशन NWPT में शायद ही किया हो, लेकिन हर सेशन के अंदर और जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो इसको पॉइंट आउट करते हैं कि देखो यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी का ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस समय में सामने में। तो कैसे अपने स्टूडेंट्स के या जिससे भी हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है, उसको कैसे रीड करना, उसको कैसे समझना और उसके आधार पे अपने एक्सप्लेनेशंस को ट्यून करना ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके, उन और दिल में उतर सके। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हों, हो सकता है हम भी गलत कर रहे हों, तो दूसरे जो है वो हमें ठीक करें इस तरीके से। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो पूरा है वो भी इसमें अनवरत पूरे 6 दिन के कैंप में प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो उसमें से एक टीचिंग मेथोडोलॉजी का भी एक लेसन अपने को मिलता है। ये तीन मुख्य रूप से हम लोग अभी तक NWPT के अंदर चीजें करते आए हैं और इस बार हम लोग पता नहीं, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत कुछ करें, क्या इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम नहीं भी कर पाए, ये भी हो सकता
एक तो फायदा हमें इस प्लेटफॉर्म का ये मिला कि अमूमन एनडब्ल्यू की टीम में हमारे पास में दो या तीन रिसोर्स पर्सन होते थे जो पूरे छः दिन के सारे सेशन को कंडक्ट करते थे। उसका भी अपना एक फायदा है, उसका भी अपना एक फायदा है, लेकिन आज इसके कारण से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण से हमने बहुत सारे रिसोर्स पर्सन की जो एक्सपर्टाइज है उसको हम यूज कर रहे हैं इस 20 घंटे के 10 दिन के वर्कशॉप के अंदर में। ऐसे ही बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, कुछ नए आयाम निकल करके आएंगे इस नए फॉर्मेट में से, और कुल मिलाकर के हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जैसा मैं अभी शेड्यूल देख रहा था उसके अंदर में सामान्यतः 1.5 घंटे का एक लंबा सेशन है किसी रिसोर्स पर्सन के द्वारा, और उसके बाद 1.5 घंटे के पार्टिसिपेंट्स के प्रेजेंटेशन हैं। ये साधारणतः ज्यादातर शेड्यूल के अंदर में ये है। तो हम लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, हमारे जो रिसोर्स पर्सन बताते हैं उनको हम समझेंगे, और ये एकदम से मान करके चलेंगे कि हमारे रिसोर्स पर्सन जो है ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग हैं, वो हमारे ही जैसे लोग हैं। तो वो भी जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके साथ में अपना तालमेल बहुत अच्छा बन सकता है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, तो उनके साथ में तालमेल बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, हमें बड़ा संकोच होता है, हम तो उनके आभा मंडल से ही इतने प्रफुल्लित रहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं वो तो हम सुनते ही नहीं है, वो तो हम समझते नहीं है, तो कठिन हो जाता है उस तक उतरना। तो कुछ आसपास के लोग होते हैं, कुछ समकक्ष जैसे लोग होते हैं, तो उनके साथ में बहस करने में, उनके साथ में बातें करने में, उनसे सीखने में ज्यादा ठीक रहता है। तो आप देखेंगे हमारे सारे रिसोर्स पर्सन उसी प्रकार के आपको नजर आएंगे, आपके सब समकक्ष होंगे, और इसलिए खूब जमकर के हम लोग डिस्कशन करें। लेकिन जैसा प्रज्ञा जी ने कहा कि हमें समय का ध्यान रखना है, हमें बहुत सारा आउटपुट लेकर के इसके अंदर में से जाना है। तो दृष्टि अपनी हमेशा ये रहे कि कुछ ना कुछ हम नया सिखा करके जाएंगे, कुछ ना कुछ नया सीख करके जाएंगे, इसी दृष्टि से हम लोग ये सारे सब कुछ करेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ सेशंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की भी रखे जाए, 2 सेशंस मेरे ख्याल से होंगे, अधिक भी हो सकते, जिसके अंदर में कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा हो, कुछ ना कुछ डेमोंस्ट्रेशन, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो क्लासरूम के अंदर में किए जा सके, जो अपने छोटे से बैग के अंदर में लेकर के हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ जा सकते हैं, क्लासरूम जा सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉम्पोनेंट भी यहाँ पर होंगे, वो भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो वैसे होंगे जो आप खुद से बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी खुद से बनाए होंगे, हमने भी कोई बहुत किसी बड़ी कंपनी से कुछ बड़ा सामान खरीद करके और असेंबल करके या कोई बड़ा सा यंत्र नहीं लगाया होगा, हमने भी ऐसे ही छोटे मोटे अपने रिसोर्स से ही उसको बनाया होगा। तो आप भी उसको बहुत आराम से बना सकेंगे, डुप्लीकेट कर सकेंगे और अपने क्लासरूम के अंदर में या अपनी लेबोरेटरी के अंदर में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस प्रकार से डेमोंस्ट्रेशन के सेशंस, इसी प्रकार से जो थियोरी के सेशंस हैं वो इन सबको हम लोग करें, और ये पहली इनिंग जो हमारी इस 2020 की है, इस पहली इनिंग के अंदर में हम लोग खूब ढेर सारे रन बनाएं और खूब सारा आउटपुट में करके जाएं, ये हमारे आप सभी लोगों के साथ में शुभकामनाएं रहेंगी। जी धन्यवाद वेरी वेरी मच, और ओवर टू अमित जी, क्या थी।